करते थे, अब हम गरीब व किसान विरोधी पार्टी का अज्ञान राज जरूर समाप्त होगा, जिसका देश की आम जनता को अब काफी बेसब्री से इंतजार भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर देश के सभी दुखी पीड़ित व जरूरतमंद लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे अपने हितों में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ और राज्यों में भी बीएसपी के साथ हुए गठबंधन को ही केवल कामयाब बनाएं और अपने खुद के नेतृत्व में ही अपनी सरकार भी जरूर बनाएं, तभी फिर इन्हें पूरे देश में यहाँ जातिवादी द्वेषपूर्ण संकीर्ण व पूंजीवादी सरकारों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर इस बार यही मेरे जन्मदिन के लिए भी इनका देश व जनहित में बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। और अब मैं अंत में हर वर्ष की तरह मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ विमोचन भी करती हूँ, जिसमें पार्टी व मूवमेंट की गतिविधियों का एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा समाहित होता है, जो वर्तमान पीढ़ी व आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणादायक साबित होगा।